हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे कोरियन सीरीज जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। ये आपको हिंदी में देखने को मिलती है। टोटल 12 एपिसोड है जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 53 मिनट से लेके 1 घंटे 10 मिनट के है। खैर, शो की कहानी मैं आपको सिंपल सी बता दूं कि एक हाई स्कूल है जहाँ पर जोम्बी वायरस आउटब्रेक होता है। अब उसके बाद कैसे वो हाई स्कूल से हॉस्पिटल पहुँचता है, हॉस्पिटल से पूरे शहर में पहुँचता है, फिर क्या कुछ होता है और इन सारी चीज़ों के पीछे है कौन मास्टरमाइंड, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर शो देखना पड़ेगा। देखो, शो की अगर मैं नेगेटिविटी की बात करूँ, या सबसे पहले मैं नेगेटिविटी की बात करूँगा, शो कभी भी ऐसा नहीं जाता है। शो ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, यानी कि कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत ही ज़्यादा बकवास हो जाता है, और ये चीज़ इस शो में कंटिन्यूस आपको फील होती है। उसके लिए शो की जो 12 एपिसोड है, मेरे ख्याल से 12 एपिसोड वर्थ वॉच नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस शो में 10 एपिसोड होते तो अच्छा होता। उसके अलावा शो का जो क्लाइमैक्स है वो मुझे उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा जितना लगना चाहिए। एंड फोर्थ जो इसका नेगेटिविटी वो है रेपिटेटिव सीन्स, यानी कि हमने जॉम्बी पर बहुत सारे शोज देखे, तो इस बार इस पर्टिकुलर शो को देखो तो काफ़ी ऐसे सीन से जो प्रेडिक्टेबल लगते हैं और रिपीटेटिव लगते हैं, यानी कि हमको पता है कि भाई अब ये चीज़ होगी और वो चीज़ होती भी है, और काफ़ी सीन्स तो ऐसे कि यार अभी तो ये चीज़ सेम देखी थी फिर से वापस से। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे महसूस होते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी आपको लगा वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता रहा। तो मैं अगर पॉजिटिविटी की बात करूँ तो यहाँ पर जो मेन प्लॉट है जॉम्बी का वो तो आपको देखने को मिलता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो सब प्लॉट है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगे। वैसे तो शो जॉम्बी वायरस पर फोकस करता है, लेकिन उसके अलावा बुलिंग, मतलब एक लड़की की जब बुलिंग होती है, एक लड़की की बुलिंग होती है, तो उसके फैमिली वाले या वो लड़का क्या फील करता है, उस पर भी ये शो बहुत अच्छी तरह से फोकस करता है। प्लस हाई स्कूल में जो जो चीज़ें होती है उस पर भी बहुत ही अच्छी तरह से शो बताता है। प्लस यहाँ पर लव पर भी शो फोकस करता है, इमोशंस तो है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको एक छपरी यूट्यूबर भी देखने को मिलता है, और शो में कॉमेडी भी डाली गई, यानी कि इतने सीरियस मैटर में वो जो बीच में जो कॉमेडी रिलीफ डाली ना वो आपको मजा देती है। और शो में अगर मैं वापस से इमोशनल पार्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टुकड़ों में इमोशनल पार्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि आपके दिल को छू जाएंगे। वैसे शो में डर पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की है। देखो, डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से कुछ भी करा सकता है, और वो चीज़ आप लोग इस शो में नोटिस भी कर पाओगे। कैरेक्टर्स की बात को तो हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा और इक्वली उनको स्क्रीन टाइम भी दिया जो कि आपको उन कैरेक्टर से कनेक्ट होने में हेल्प करता है। शो की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, वो जो ज़ॉम्बी लोगों के जो मेकअप के वो बहुत ज़्यादा स्कैरी है, और जिस तरह से उन्होंने कंप्लीट चीज़ें डिज़ाइन की कि भाई एक इंसान जब जॉम्बी मरता तो किस तरह से रिएक्ट करेगा। हालांकि बहुत सारी मूवीज़ में देख ली, फिर भी कोरियन वाले इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो चुके हैं, और वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बीजीएम अच्छा है, कुछ मॉडर्न बीजीएम डालने की कोशिश की जो कि आज के जो टीनेजर्स हैं उनको ज़्यादा पसंद आएगा। एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात को तो सारे यंग एक्टर्स सब लोगों ने अपने हिस्से के लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। एक परफॉर्मेंस ही है जो आपको मजबूर करता है ये पूरा का पूरा शो देखने के लिए। ओवरऑल डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, एडिटिंग थोड़ी और अच्छी तरह से की जा सकती थी, और फाइनल वर्डिक्ट में इतना ही बोलूँगा कि ये शो आप अपनी फैमिली साथ बैठ के मत देखते क्योंकि बहुत सारा वॉयलेंस है। प्लस जो इसका हिंदी डब है उसमें बैड वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, हालांकि इतना नहीं किया है, मतलब ऐसा किया कि कॉलेज के या स्कूल के बच्चे जिस तरह से आपस में बात करते हैं, आपको तो पता है कि हिंदी में तो तेरी माँ का बहन का और होता ही बिंदास, तो उसी तरह से यहाँ पर डबिंग भी की है। और अगर मैं रेटिंग्स की बात करूँ तो इस शो को मैं 7.5 out of 10 दूंगा। डेफिनेटली ये शो अच्छा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जितना मुझे एक कोरियन शो किंगडम लगा था। मतलब किंगडम की ये कहीं पे आसपास भी नहीं ठहरता, तो आप लोग उससे अंदाजा लगा सकते हो। शो में अगर आपको इंटरेस्ट लाना है तो एटलीस्ट आपको 4 एपिसोड्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि 4 एपिसोड के बाद ही जो वो इंटरेस्ट है वो आता है। सीरियसली 5th एपिसोड से ये शो अच्छा है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के 2 एपिसोड या 3 एपिसोड देख कर बढ़ जाओगे तो फिर मतलब बस इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। अगर आपको ये पर्टिकुलर शो अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर शो का बिंज वॉच कर लिया होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय।